वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन, सभी सेफ होंगे। तो आज अपने पीछे खड़ी है हिंदुस्तान मोटर्स की कॉन्टेसा। ये जीटी वाला मॉडल है, जिस वाला मॉडल है 1. अराउंड इसका 2000 सीसी का पूरा जो इंजन है, जिसके बारे में बात करने वाले बताऊंगा आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में। स्पेसिफिकेशन वैसे ज्यादा नहीं बताने वाला हूं, बट आपको मैं इस बाइक कार के मैं आपको एक बार लुक्स दिखाने वाला हूं। ये पूरी मॉडिफाई करी हुई है, जो एक्चुअल कार आती थी वो भी आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रही होगी, और ये वाली जो है पूरी प्रॉपर मॉडिफाइड। तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। काफी अच्छी लग रही थी और मुझे रिक्वेस्ट भी आई थी सब्सक्राइबर की, उन्होंने मुझे फोटो भेजी थी कि इसके वीडियो आप जरूर से बनाना। तो अपन आ चुके हैं इसकी वीडियो बनाने के लिए। आपको एक बार कार दिखाता हूँ, अपने चैनल पर गिव अवे चल रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। इस कार में बात करते करके तो वीडियो काफी मजेदार, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तो लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देना सभी दोस्तों। लाल कलर का सब्सक्राइब बटन नहीं दबा, उस पर गुस्सा मारे मुकर दब जाना चाहिए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते रहिए आर्य व्लॉग्स। अपने सामने कार HM की है, यानी हिंदुस्तान मोटर्स की, पहले आती थी 1995 अराउंड का ये मॉडल है, उससे पहले का ही मान सकते हो, मतलब उस टाइम तक इसको देखा जाता था। ये वाला मॉडल अभी थोड़ा पुराना है और काफ़ी पूरा रिस्टोर भी किया हुआ है, और ये पूरा मॉडल इसके फ्रंट की हेडलाइट्स, फ्रंट का पूरा बम्पर, हुड और सभी सारी चीज़ जो पेंट है एक्चुअल में, वो भी पूरा रिस्टोर्ड है इस पूरी कार का। आपको ओवरऑल अगर ये कार दिखाऊँ तो, जैसे कि आपको पता होगा अमिताभ बच्चन की पुरानी पिक्चर्स में ये वाली कार काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुई है, कॉन्टेसा, हिंदुस्तान मोटर्स की कॉन्टेसा काफ़ी सारी पुरानी मूवीज़ में ये यूज़ हो चुकी है। और रेयर से कुछ जो लुक है कार का ऐसा निकल के आता है, आपको रेयर से लुक दिखाता हूँ, कुछ ऐसा लुक निकल के आ जाएगा कार का। अगर कार के इंजन के बारे में बात करूं तो अराउंड आपको 1995 सीसी का इसके अंदर इंजन देखने को मिल जाता है। माइलेज के बारे में बात करूं तो उस टाइम में इसका माइलेज क्लेम किया जाता था 14 KMPL का, मतलब 14 का माइलेज से क्लेम किया जाता था। अभी मेरे हिसाब से और कम ही होगा क्योंकि थोड़ी सी मॉडिफाई हो चुकी है। इंजन के अंदर 2000 आप सीसी का मान सकते हो, 2000 सीसी का आप इसके अंदर प्रॉपर इंजन मान सकते हो। फ्रंट से पूरा कार का लुक कुछ ऐसा निकल के आता है, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। अभी इसको स्टार्ट करके इसका एग्जॉस्ट नोट भी मैं आप लोगों को सुना दूंगा। और अगर हैंडल बार्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इसमें पूरे में क्रोम की फिनिश दे रखी है, इवन डोर्स में भी क्रोम की फिनिश दे रखी है। इसको मॉडिफाई किया है बट ये पूरी तरीके से रिस्टोर्ड नहीं है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी पुरानी ही लगी हैं। आपको दिख रहा होगा कि ये डोर्स के जो हैं ये अभी भी इसमें पुराने ही लगे हुए हैं, और मतलब मॉडिफाइड है बट ऐसे पूरा रिस्टोर करी हुई नहीं है गाड़ी। तो अभी अगर इसको मैं अंदर से दिखाऊँ आपको एक बार, तो अंदर से जो कार है कुछ ऐसी दिख जाती है आपको, और अंदर से आपको देखने को मिलती है पूरी कार ऐसी देखने को मिल जाएगी। प्रॉपर अंदर जो फिनिश है यहाँ पे लेदर का पूरा आपको फिनिश देखने को मिल जाता है, सीट्स आपको लेदर टेक्सचर वाली देखने को मिल जाती है। ऑल्दो अभी हाँ ये रिस्टोर नहीं है, जैसे आपको दिख रहा होगा ये वाला जो है ये भी टूटा हुआ है। इसमें यहाँ पे ऑक्स का है, यानी कि आप इसमें कनेक्ट करके वो चीज़ कर सकते हो। उस टाइम में ये आती थी 5-speed का ट्रांसमिशन आता था इसके अंदर, मतलब 5 gear होते थे और एक रिवर्स वाला होता था। और यहाँ पे इसके अंदर शायद तक ये कुछ अलग फीचर दे रखे हैं, ये AC का है, AC इसमें दे रखे होता था। यहाँ पे आपको AC का वो दिख रहा होगा कि AC का आपको इसके यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इसके पूरे AC के वेंट्स हैं, यहाँ पे 3 vents दे रखे हैं, यहाँ पे एक वेंट यहाँ पे दे रखा है और एक वेंट वहाँ पे दे रखा है। आपको वहाँ पे इसके अंदर ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ से जो है आप इसके जो ये मिरर्स हैं इनको ऊपर या नीचे कर सकते हो, यहाँ से इसका ये डोर खोलने का है, तो यहाँ से आप इसके जो है ये मिरर्स को ऊपर नीचे कर सकते हो। और यहाँ से आपको जो डोर ओपन क्लोज करने का देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको हाई बीम लो बीम और डिपर वेपर का सारा सिस्टम यहाँ पे देखने को मिल, यहाँ पे इसके अंदर इंडिकेटर का वो दे रखी, लाइट दे रखी है, यहाँ पे बैटरी का है, यहाँ पे सभी चीज़ें दे रखी हैं और बाकी सारा फंक्शन यहाँ पे दे रखे हैं। रेयर में आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, रेयर में भी काफ़ी सारा है। और अंदर से पूरी कार जो है मॉडिफाइड है, अंदर का ऊपर का जो रूफ है आपको वही मॉडिफाइड देखने को मिलती है। मेरे हिसाब से जो अंदर का पूरा टेक्स्चर है ये पूरा मॉडिफाइड ही है और ये मॉडिफाई कराया हुआ है। ऑल दो इसके अंदर काफ़ी कुछ ऐसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स देखने को नहीं मिलते हैं, यहाँ पे आपको हिंदुस्तान मोटर्स का यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, लोगो देखने को मिल जाता है। और कार ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वहाँ पे आपको वुडन टेक्सचर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको इसके अंदर जो सामने हुड है इसका वो खोलने को देखने को मिलता है, यहाँ से आप इसका हुड खोल सकते हैं। यहाँ पे इसके पूरे पैडल्स देखने को मिल जाते हैं, क्लच का, ब्रेक का और इस एक्सीलेटर का सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और ये जो कार है लिटरली काफ़ी ज़्यादा बार यूज़ हुई हुई है काफ़ी सारे उन सब में। देखो अभी इसका जो गेट है इसमें अलाइनमेंट भी पूरा नहीं हो रखा है क्योंकि गेट अभी काफ़ी सारा ऐसे खुला हुआ दिख रहा है। अभी एक काम करते हैं, और हाँ ये गाड़ी जो है पेट्रोल है, डीजल वाला वेरियंट नहीं है, पेट्रोल वाला वेरियंट है, ये मतलब पेट्रोल वाला ही वेरियंट है। और रेयर से लुक मैंने आपको दिखा दिया, गाड़ी का नंबर है RJ146829 और काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, काफ़ी मॉडिफाइड सा लगता है। मैं आपको उसका रेयर वाला पोर्शन दिखा दूँगी रेयर से कैसा क्या है, तो एक बार इसको पहले शायद मुझे ओपन करना पड़ेगा कि लॉक है या नहीं है, हाँ खुली हुई है। तो रेयर में भी अच्छा खासा आपको स्पेस देखने को मिल जाता है, यहाँ पर काफ़ी वेल कुशन ये सीट्स हैं। और जहाँ पर मैं अभी शूट कर रहा हूँ ये कार सेल पर है, आप इसको परचेज़ कर सकते हो। और जो इन्होंने इसकी प्राइस रखी है आपको प्रॉपर सभी ज़्यादा आपको 4 lakhs अराउंड 4 lakhs में ये आपको देखने को मिल जाएगी प्रॉपर। ये वाली कार 4 lakh रुपए में आप इसको यहाँ से खरीद सकते हो, सेकंड हैंड है। ऑल तो एक लेजेंडरी कार है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कार है और एक रेट्रो लुक है पूरी कार का, काफ़ी अच्छा लगने वाला है। आप इसको रोड्स पर लेकर निकलोगे तो रोड प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलेगी और काफ़ी अच्छा। एक बार मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट और सुना देता हूँ, तो अब एक बार अपने इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं।
यही था अपना एक वीडियो इस अमेजिंग सी कार के बारे में। वैसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, मैंने आपको उसका फ्रंट का पूरा लुक दिखा दिया और रेयर से पूरा वॉक अराउंड दे दिया मैंने आपको एक बार इस कार का। काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। अपने चैनल पर जो गिव अवे चल रहा है, मैं आप में से किसी लकी विनर को जो स्मार्टफोन गिव अवे करने वाला हूँ। उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, जस्ट वीडियो को लाइक करना चाहिए, कमेंट करना है वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी बुरी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरा इंस्टाग्राम एंड भी शो हो रहा होगा, मुझे फॉलो करना और कुछ भी नहीं करना है। और मैं आपसे मिलूंगा ऐसी किसी बढ़िया सी अमेजिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए आरडीएस एमी को साइनिंग ऑफ आर्यव्लॉग्स।